कर्क रेखा, जिसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है, पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त है, जिस पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर हो सकता है। ये जून संक्रांति पर होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अपनी अधिकतम सीमा तक झुका होता है। ये दिसंबर संक्रांति पर सौर मध्यरात्रि में क्षितिज से 90 डिग्री नीचे भी पहुंच जाता है। लगातार अपडेट किए जाने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए वृत्त वर्तमान में भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 26 10.5 या 23.43625 डिग्री है। इसका दक्षिणी गोलार्ध समरूप सबसे दक्षिणी स्थिति को चिन्हित करता है, जिस पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर हो सकता है, मकर रेखा है। ये कटिबंध अक्षांश के 5 प्रमुख वृत्तों में से 2 हैं जो पृथ्वी के मानचित्रों को चिन्हित करते हैं। अन्य आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त और भूमध्य रेखा हैं। अक्षांश के इन 2 वृत्तों की स्थिति भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन के अक्ष के झुकाव द्वारा इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष तय की जाती है, और चूंकि झुकाव बदलता है, इन 2 वृत्तों का स्थान भी बदलता है। भू राजनीति में इसे नाटो के पारस्परिक रक्षा दायित्व पर दक्षिणी सीमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नाटो के सदस्य राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में क्षेत्र की रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। उष्णकटिबंधीय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय और उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में अक्षांश की समतुल्य रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और भूमध्य रेखा पर केंद्रित दोनों के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। वर्ष 2000 में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या कर्क रेखा के उत्तर में रहती थी। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान लगभग 13 घंटे 35 मिनट का दिन होता है। शीतकालीन संक्रांति के दौरान 10 घंटे 41 मिनट का दिन होता है। कर्क रेखा के लिए 23 डिग्री 26 एन का उपयोग करते हुए ट्रॉपिक निम्नलिखित देशों और क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा से शुरू होती है और पूर्व की ओर बढ़ती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.50 डिग्री उत्तर में एक काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।